मेरा साउंड का स्टीरियो है 9 इंची T5 432 में और ये 360 डिग्री भी सपोर्ट करता है और ये हम लगाने वाले हैं पंच के अंदर। यहाँ पर इसकी फिटिंग खोली जा रही है और ये आदमी फालतू बोल रहा है। ये जो पंच है ये देश मॉडल है, इसके अंदर ना ये स्टिकरी वायरिंग भी होगी सारी और ये अल्ट्रा एच डी कैमरा होगा, पहना साउंड का होगा जिसकी 1 साल की वारंटी है, डे नाइट विजन है, वाटरप्रूफ है और इसके अंदर हम लगाने वाले हैं JBL के कंपोनेंट। ये दो आगे कंपोनेंट लगाएंगे और पिछली खिड़कियों में लगाने वाले हैं JBL के स्पीकर, ये हम लगाएंगे पीछे पिछली खिड़कियों में, ये लगाएंगे और अगली में लगाएंगे कंपोनेंट साथ के साथ ही सभी तरीके में स्पीकर वायर जाएगी। JBL का कंपोनेंट है, कंपोनेंट में हमें मिलता है साथ में एक तो ये वूफर मिलता है और कंपोनेंट में आता है एक ये टूटर और इन दोनों को बजाने के लिए जो आता है आवाज़ निकालने के लिए आता है ये छोटा सा एम, इसके अंदर इनके लगेंगे जो गाड़ी के अंदर वायर आएगी और ये वूफर के लगेंगे इस वूफर के WFT W के लगेंगे टूटर के जो भी इसके होने वाले हैं। तो ये पूरा एक सेट लगेगा जिससे थोड़ा स्पीकर से ज़्यादा अच्छी आवाज़ मिलती है और यहाँ टेस्ट भी होता है कैमरे का है। पंच का एंड्रॉयड फ्रेम है, इससे जो फिटिंग आएगी प्रॉपर कंपनी की तरह आएगी बिल्कुल और ये थोड़ा ग्लॉसी में शाइनिंग कर रहा है, नहीं तो आता है ऐसे मैट में, ऐसे मैट की तरह आता है और ये है ग्लॉसी में। ये लगेगा यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा एंड्रॉइड, इसके साथ में एक कपलर आता है। ये पीछे लग रहा है स्पीकर, स्पीकर के अंदर होता क्या है कि ये तो टूटर होता है ये बीच में, ये इसका इसके साथ में आता है इनबिल्ट और कंपोनेंट में आते हैं इसके अलग से और ये यहाँ पे हो रहे हैं चारों खिड़कियों के स्पीकरों के कनेक्शन। खिड़की में लग चुका है एक स्पीकर और इसके अंदर लगाए हैं हेरला के ब्लैक पर्ल के फोन, आवाज़ में बाद में चेक कराऊंगा, थोड़ा खींच के इज्जत हो आवाज़ तो ठीक है सही क्या है। और इसके अंदर लगाया है ये एंड्रॉइड लग गया है, वहाँ पे लग गया है कंपोनेंट। इसके अंदर लगने वाला है ये अल्ट्रा एच डी कैमरा जो कि कनेक्शन यहाँ से इस लाइट के अंदर से दे जाएगी।
और ये लगाया है कंपोनेंट और उसके दूसरी वायरिंग की हमने इसके अंदर। चल लगाओ टेप और ये लग चुका है हमारा इंटर HD कैमरा। दीपू बैक गियर लगा। ये RD का सेंटर लॉक लगाएंगे। इसके अंदर हमें मिलता है एक ये डब्बी मिलती है RD की, इसके दो ये रिमोट होते हैं, एक हमारा की वाला होता है फ्लिप की होती है, दूसरा होता है हमारा सिंपल रिमोट होता है। और इसके अंदर मिलता है एक सायरन, ये सायरन होगा। सायरन के अलावा ये हो जाता है RD का वारंटी कार्ड, ये RD का हेल्पलाइन नंबर होगा। और इसके अंदर होगी ये डोर स्विच जो यहाँ पे होते हैं, इसमें तो नहीं है, इसमें तो खिड़की के अंदर होते हैं ये डोर स्विच होते हैं जिसमें नहीं दिखती। ये होती है वायरिंग जो कि जाएगी सीधे बैटरी के ऊपर, तो आपको करके दिखा देते हैं अभी। सेंटर लॉक इंस्टॉल, ये आप लगा रहे हैं इसको बैटरी का कनेक्शन सेंटर लॉक के, और ये सायरन लग चुका है यहाँ पे। यहाँ पे नेगेटिव लगाई है पंच में। और ये सीट पर हम चढ़ाएंगे बकट में सारी ऐसे ये तार होते हैं, ये यहाँ से निकल जाएंगे, ऊपर के भी सारे निकलेंगे और सीट पर में डल लेंगे। और यहाँ पे ये लुक इसके अंदर ऐसे डल जाएगी बकट, और इसके अंदर डाल दिए पहले से ही, ये इसके अंदर डाल दिए यहाँ से, ये डाल दिए यहाँ से देखो। तो होता क्या है कि ये होता है, ये इसके अंदर ऐसे आ जाती है, ये जो इसके अंदर होती है, इसके अंदर ये तार होती है, दिखा देते हैं इसके तार, और ये होते हैं यहाँ से अटैच और लग जाते हैं काटे, तो इससे होता है ये फिटिंग बहुत अच्छी आती है बकपट की। चलो अभी आपको चढ़ा के दिखाते हैं। यह बकेट होगी है, यह अभी सिंपल है, यह अभी चढ़ाई नहीं है। ये दोस्तों हमने लगाया इसमें सेंटर लॉक RD का, ये लॉक इंडिकेटर भी फ्लैश करेंगे इसके। और इसमें भी बिछाई है मैटिंग, वाटर प्रूफ होती है ये, पूरा सिंगल पीस होता है।